औरत कभी भी ये बर्दाश्त नहीं करती कि मेरा बंदा किसी को देख भी जाए। तो आप अपने बंदे को ये कह रही हो कि खाना मैं गर्म कर दूंगी और बाकी काम तुम किसी और के साथ जाके करो, जब वो बाकी के काम किसी और के साथ जाके करता है तो यही आंटियाँ रो रही होती, ओह माय गॉश दिस इज़ हैपनिंग टू मी, ही इज़ विद हिज सेक्रेटरी एंड दिस एंड दैट, तुमने देखा है वो मुझे टाइम नहीं देता। फिर इस तरह की चीज़ें निकलती हैं। अगर आप अपने बंदे को टाइम नहीं दे सकते तो शादी क्यों कर रही हो? ना करो। बच्चे नहीं पैदा कर सकती, शादी ना करो, आराम से बैठे रहो, अपना कमाओ खाओ, सारी उम्र जलील हो जाओ और फिर तुम्हें एक मर्द की अहमियत का पता चलेगा। वो क्या कहते हैं, क्या कहते हैं ये, क्या कहते हैं, बहुत कहते हैं ये, क्या कहते हैं, बहुत कुछ कहते हैं। ये जो खवातीन निकलती हैं कहती क्या हैं, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, चांदी की है। रियल पाकिस्तान की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक जल्द पहुँच सके। अस्सलाम वालेकुम बच्चों को, दुआ बड़ों को सलाम। जिशान अलबानी है मेरा नाम और आप देख रहे हैं रियल पाकिस्तान। नाज़रीन, कुछ ख़वातीन जो हैं मार्च के महीने में औरत मार्च के नाम पर अपने हकूक़ लेने के लिए बाहर निकलती हैं, लेकिन उनमें जो है कुछ बेहुदा नारे होते हैं जिसकी वजह से आलम इस्लाम के वो लोग जो इज़्ज़त वाले हैं वो शर्मनाक हरकत से जो है वो शर्मसार हो जाते हैं। इस हवाले से आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ मॉडल और एंकर आमना अजमत। आज हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैडम आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। ये बताइएगा कि औरत मार्च होता है और ये 8 मार्च को क्यों होता है, और मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी ये नारा ठीक है? अच्छा, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मुझे अपने पैनल पे लिया। और सेकेंडली, औरत मार्च मैं उसको कुछ नहीं कंसीडर करती। ये विमेंस डे है, औरतों का आलमी दिन है, पूरी दुनिया में मनाया जाता है और पूरी दुनिया में इसे औरतों का आलमी दिन कहा जाता है, विमेंस डे कहा जाता है। पाकिस्तान की अब बदकिस्मती हो चुकी है शायद कि इसको विमेंस डे नहीं बोला जाता, औरत मार्च के नाम से मंसूब कर दिया गया है। व्हाट इज़ दिस औरत मार्च? मतलब वो थोड़ी सी ख़वातीन जो घरों से तंग हैं, अपने बाप और भाइयों को गालियाँ देने के लिए वो सड़कों पर आ जाती हैं, उनको आज़ादी चाहिए। अच्छा, जहाँ पे उनके मंशूर हैं वहाँ पे हम कुछ और चीज़ें भी डिस्कस करेंगे, लेकिन औरत मार्च के मैं बिल्कुल भी हक़ में नहीं हूँ। सही है। अच्छा बताइए कि आप क्यों हक़ में नहीं है, ये बताइएगा। अच्छा क्यों नहीं हूँ? एक नॉर्मल जो घरेलू औरत है, सबसे पहले तो इनके जो नारे हैं वो बहुत गलीज़ थे, जिसकी वजह से औरतें इनके ख़िलाफ़ हो गई बज़ाते खुद, मर्द भी इनके ख़िलाफ़ हो गए। मर्दों की सोसाइटी ने तो होना ही था, बिकॉज दिस सोसाइटी इज़ फॉर मैन, औरतों की सोसाइटी नहीं है ये। और जहाँ पे औरतें भी मर्दों के मदे मुकाबले आ जाएँ और आज़ादियाँ मांगने लग जाएँ तो सॉरी टू से हमारे यहाँ के जो मर्द हैं वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अच्छा, एक नारा है मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, इसकी तो समझ आती है कि वो कहती हैं कि जी हमारा जिस्म है, हम जो मर्ज़ी करें। एक नारा है कि मैं बैठ गई हूँ, ये क्या है? अच्छा देखें, उनके जो नारे थे उनकी तस्हीह बहुत हद तक हो चुकी है, सब ने उनकी इतनी बैंड बजाई है कि उनको थोड़ा सा एहसास हुआ और अब उनके नारे चेंज हो चुके हैं। अब आप औरत मार्च पे जाओगे तो उनके नारे और मॉडिफाई हो जाएंगे, उनका जो मंशूर है वो अब खुल के थोड़ा सा सामने आने लग गया कि वो चाहती क्या है। ठीक है, अब मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी इसकी सेंस बहुत बनती है। अगर मैं एक वर्किंग वुमेन हूँ, मैं मॉडल हूँ या मैं जी बाहर काम कर रही हूँ, घर से बाहर जाती हूँ, अब मैं जिस हुलिये में भी मर्जी जा रही हूँ वो मैं अल्लाह ताला को जवाब दे खुद हूँ। आप कौन होते हैं मेरे उस हुलिये से फ़ायदा उठाने वाले? आप कौन होते हैं मुझे हरास करने वाले? आप कोई नहीं होते। आप मतलब इस चीज़ का फ़ायदा उठाएंगे कि मैंने स्लीवलेस पहनी हुई है तो वो बाजू पे हाथ लगाना आपका हक है फिर। तो इसलिए मैं मर्दों को ब्लेम करती हूँ, क्योंकि आप लोग इस तरह की हरकतें करते हैं तो औरत मार्च बन जाता है, फिर वो वुमेंस डे नहीं रहता। हमने ये बताइएगा कि खाना खुद गर्म करें, उसके साथ साथ एक और नारा है कि जी बिस्तर किसी और से गर्म करवाएँ, ये क्या सीन है? अच्छा, अगर खाना जो है वो मैंने गर्म करना है और बाकी के जो मेरे फ़राइज़ हैं एज आ मतलब बीवी के, वो किसी और ने पूरे करने हैं, वो कहीं और जाके पूरे करेगा। तो अगर मैं आज़ाद ख्याल भी औरत हूँ ना, तो आपको मज़े की बात मेंशन करूँ, औरत कभी भी ये बर्दाश्त नहीं करती कि मेरा बंदा किसी को देख भी जाए। तो आप अपने बंदे को ये कह रही हो कि खाना मैं गर्म कर दूंगी और बाकी काम तुम किसी और के साथ जाके करो, जब वो बाकी के काम किसी और के साथ जाके करता है तो यही आंटियाँ रो रही होती, ओह माय गॉश दिस इज़ हैपनिंग टू मी, ही इज़ विद हिज सेक्रेटरी एंड दिस एंड दैट, तुमने देखा है वो मुझे टाइम नहीं देता। फिर इस तरह की चीज़ें निकलती हैं। अगर आप अपने बंदे को टाइम नहीं दे सकते तो शादी क्यों कर रही हो? ना करो। बच्चे नहीं पैदा कर सकती, शादी ना करो, आराम से बैठे रहो, अपना कमाओ खाओ, सारी उम्र जलील हो जाओ और फिर तुम्हें एक मर्द की अहमियत का पता चलेगा। तो ये नारा ही गलत है कि मैं खाना गर्म कर दूंगी और बाकी काम तुम किसी और से करवाओ। पिछले साल खलील रहमान कमर साहब और मारवी समझिए वो टॉप ट्रेंड पर रही हैं। खलील रहमान कमर के बारे में आपके क्या जज्बात हैं? अच्छा खलील साहब की ना मैं बहुत इज़्ज़त करती हूँ, मैं उनको पर्सनली भी जानती हूँ, एज अ टीचर मैं उनको समझती हूँ, लेकिन क्या है कि उनके भी कुछ जो जितने भी लोग इस औरत मार्च के खिलाफ है वो सारे जो है ना वो जनाब खलील रहमान कमर की सपोर्ट करते हैं। नहीं, मैं उनकी सपोर्ट नहीं करती अनफॉर्चुनेटली। मैं एक पढ़ी लिखी बाशऊर औरत हूँ और आप एक पढ़े लिखे बाशऊर नौजवान हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि कौन सी चीज़ इस सोसाइटी पे इम्प्लीमेंट हो सकती है, कौन सी इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती। अगर एक चीज़ आपके अपने घर में इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती तो सॉरी टू से वो मेरी सोसाइटी पे आप इम्प्लीमेंटेशन नहीं करवा सकते। आपकी कुछ बातें हैं खलील साहब जिनसे मैं इत्तफाक नहीं करती। आप कुछ चीज़ें बोलते हैं जो लगता है कि जैसे कोई 200 साल पुरानी चीज़ें बताई जा रही हैं। ठीक है, अगर आपने रहनुमाई लेनी है जिशान साहब तो आपके पास कुरान और सुन्नत मौजूद है, आपको किसी दूसरे तीसरे के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं है। मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी का मैंने आपको माफूम बता दिया कि आप मुझे हरास करने वाले कोई नहीं है। जहाँ जहाँ पे आप मुझे हरास करेंगे मेरे हुलिये को देख के वहाँ पे मैं कहूँगी कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, मेरे जिस्म को तुम टच करने वाले कौन होते हो। ठीक है, लेकिन जहाँ पे आप मौलाना साहब बन के अजीबो गरीब फतवे लगाना शुरू कर देंगे इस सोसाइटी पर तो सॉरी वो एक्सेप्टेबल नहीं है। मैडम ये बताइएगा कि हज़रत फातिमा जो है हमारे लिए रोल मॉडल है, उन्होंने तो कहा था कि रात के तरीके में मेरा जनाजा उठाया जाए ताकि किसी गैर महरम की नज़र न पड़े। आप हाफ कपड़े पहन के आ गई हैं तो फिर जहरी बात है लोगों ने तो आपको तरफ देखना है। अच्छा, लोगों ने मुझे देखना है क्योंकि मैंने कपड़े नहीं पहने होंगे। मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, हमारे हाँ ना ये पाकिस्तान में ये सब कॉन्टिनेंट में ये एक चीज़ पाई जाती है कि नज़रें ठंडी करना। वो नज़रें ठंडी करना, वो उंगलियां देना, वो आप पर्दे में रहते हुए औरत को भी करते हैं, आप वो मुझे भी करते हैं, आप वो नंगी औरत को भी करते हैं, आप वो हर उस औरत को करते हैं जो आपकी ना बहन है, ना बेटी है, ना माँ है। आप इन तीनों रिश्तों को छोड़ के आपकी जो कज़न्स हैं वो भी आपकी हरेसमेंट के अंडर होती हैं। मैंने बहुत सारे केसेस सुने हुए हैं कि बचपन में किसने यूज़ किया, मिसयूज़ किया, मेरे कज़न ने किया, मेरे अंकल ने किया, मेरे फलाने ने किया, बाहर का मर्द नहीं होता वो। आप लोग तो ऐसी कौम हो, मतलब मैं मेजॉरिटी की बात नहीं कर रही, यहाँ पे कुछ मखसूस लोगों की बात कर रही हूँ, लेकिन जो हम लोग नज़रें ठंडी करते हैं ना ये तमाम मर्दों की खासियत है। ऐसे वाक़यात क्यों होते हैं, क्यों जन्म लेते हैं, इसकी क्या वजह है? अच्छा, ये जो नज़रें ठंडी करने वाला कानून है ना मुआशरे में, ये आप हर औरत से करते हो। जैसे कि मैंने मेंशन किया कि अगर वो आपकी बहन, बेटी, माँ नहीं है, ये तीन रिश्ते नहीं है, अक्सर लोग तो उनसे भी कर लेते हैं। ऐसे भी केसेस आ चुके हैं, लेकिन बिल्कुल आए हैं ना, पाकिस्तान के अंदर रहते हुए ऐसे केसेस आ रहे हैं। बहुत सारे दब जाते हैं इज्जत के डर से, हम इज्जत की वजह से चुप हो जाते हैं, अपनी बेटियों को कहते हैं शी, कोई सुन ना ले, इज्जत नीलाम हो जाएगी, इज्जत नीलाम हो जाएगी। हमारी मुआशरे में बहुत इज्जत है, उस इज्जत पे मैं लानत भेजती हूँ जो आप बेटी को बोलने नहीं देते उसके हक के लिए। उसका कज़न उसको मिसयूज़ कर रहा है, आप उसे कहते हैं बेटा चुप कर जाओ प्लीज़। क्या समझती हैं कि कुछ ऐसे वाक़यात भी हैं कि कहीं कोई छोटे मोटे इख्तिलाफ हों तो फिर ये लेबल लगा देती है, मेरे वालिद ने मेरे साथ ज़्यादती करती है, मेरे कज़न ने मेरे साथ ज़्यादती कर ली है, कुछ इस तरह के वाक़यात भी हुए हैं, आप इसको तस्लीम करती हैं? अच्छा, मैं यहाँ पर मैंशन करना चाहूँगी कानून, इदारे, पुलिस, ये सारी हमारी हिफाजत के लिए हैं। अगर मैं वुमेन कार्ड खेल रही हूँ ना आयशा अकरम की तरह तो मुझे बजा के रख देंगे। बजा दिया ना आयशा अकरम को, जो ही पता चला कि जी सारी गलती इसकी है, मैं खुद आयशा अकरम के ख़िलाफ़ उठ खड़ी हुई। सबसे पहले औरतों में मैं उसके ख़िलाफ़ बोली, ठीक है, और उसकी वजह से उस टाइम पे मुझे बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ किया गया और मुझे ग्रुप से निकाल दिया गया जहाँ पर सारी फ़ीमेल एंकर्स थी कि तुम तो एक औरत के ख़िलाफ़ बोल रही हो। अब यहाँ पे बात ये है कि जहाँ पे जो गलत है उसको सजा दो, सारी सोसाइटी को बुरा ना कहो, सबको अच्छा ना कहो। औरतें कोई इतनी मजलूम नहीं होती, वुमेन मार्च वाली हो, औरतें इतनी मजलूम नहीं होती, वो ख़ुद भी इस तरह की हरकतें कर रही होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप मेरे हथे नहीं आ रहे, मैंने आपको डिफेम करना है, मैं यहाँ पे चीखना शुरू कर दूं, कौन पूछेगा कि आपने मुझे हरास किया था या नहीं। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। ऐसे ही आयशा अकरम के मामले में केसेस बहुत सारे आ चुके हैं, बहुत सारे आ चुके हैं। अभी बोले रिकॉर्ड के साथ बेचारे के साथ जो हो रही है ना वो भी उसी का हिस्सा है, बेचारा ही है इस मामले में वो बेचारा है। अच्छा, बताइएगा कि आप अभी जो है बगैर कैमरे की आप बता रही थी कि मेरे साथ उस वक्त भी कुछ ज्यादती के वाक़यात हुए हैं जब मैं बुरका पहनती नहीं, सॉरी यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहूँगी हरासमेंट। ज्यादती समथिंग एल्स, ज्यादती रेप की सेंस में आ जाता है। लेकिन अब देखें, मैं 2 साल पहले तक, मेरे सारे दोस्त, मेरी फैमिली, मेरे सारे जानने वाले गवाह हैं कि 2 साल पहले तक मैं मुकम्मल निकाब करती थी। मेरी सिर्फ आंखें नज़र आती थी या हाथ पाँव नज़र आते थे क्योंकि काम के लिए चलने होते थे, वरना शायद ये भी नज़र ना आते। अच्छा, अब देखें, मैं मुकम्मल हिजाब में होती थी। मैं अपने घर से जब निकलती थी ना स्कूल कॉलेज के लिए या मतलब बाहर किसी भी काम से निकली हूँ, अबाई में होती थी और लोग क्या कर रहे हैं, आंखें कितनी प्यारी हैं, खुद कितनी प्यारी होगी माशाल्लाह। यार प्लीज़ अपना नंबर तो दे दो, दोस्ती तो कर लो, तुम कितनी प्यारी लगती होगी, बेपनाह। और मैंने फिर घर में बताया भी। इसके बाद फिर आपने तंग हो के आपने ये जो है बुर्का पहनना छोड़ दिया या कोई और वजह है? बहुत सारी वजूहत थी कि मैंने वो चीज़ ख़त्म की। ठीक है, मैंने कहा कि मैंने खुद को मजबूत बनाना है। अब मैं उस हुलिये में रह के लोगों से बचूंगी जिस हुलिये को बुरा कहा जाता है। और खुदा की कसम ये मेरा जो हुलिया आप लोगों को नज़र आ रहा है, मैं इतनी स्ट्रॉन्ग हो चुकी हूँ कि मैं मुँह पर थप्पड़ भी जड़ देती होती हूँ। आप कोई करके दिखाए। 2 साल से मेरे साथ ये चीज़ नहीं हुई कि कोई मुझे राह चलते तंग करे। अच्छा ये बताइएगा कि आमना आपकी सोशल मीडिया पर आप भी काफ़ी जो है वायरल हैं, ये बताइएगा कि जब भी आपकी फेसबुक आईडी पे हम देखते हैं आप खलील रहमान कमर को मुर्शद भी कहती हैं, उस्ताद भी कहती हैं, सरदार भी कहती हैं, आज आप उनके खिलाफ भी हो गई हैं, क्या वजह है? देखें, मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ, मैं आज भी उनकी इज़्ज़त करती हूँ, मैं उनके थॉट के ख़िलाफ़ हूँ। मैंने आपको पहले मेंशन किया कि मैं उनकी बहुत इज़्ज़त करती हूँ। ही इज़ जस्ट लाइक फैमिली मेम्बर। ठीक, वजह इख्तिलाफ क्या है? वजह इख्तलाफ उनकी थॉट्स, उनके जो अकायद हैं मुआशरे को लेके, वो ऐसी चीज़ें बोलते हैं नेशनल टीवी पे बैठ के जो सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन वो आप इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। आई एम सो सॉरी। अच्छा आखिर पे क्या पैगाम देना चाहेंगे वो खवातीन जो बेहूता नारे लेके आती हैं और मुल्क पाकिस्तान का नाम बदनाम करती हैं? मेरी तरफ से उन सारी औरतों पर लानत जो औरत होने के नाते इस तरह की हरकतें करती हैं, शर्मनाक। लेकिन उनका जो नारा ठीक है, मैं उनको सपोर्ट करती हूँ। अगर वो सैलरी के मामले में बोल रही हैं, अगर वो ऑफिस में हरेसमेंट पे बोल रही हैं, अगर वो रेप पे बोल रही हैं, तो मैं उनके साथ हूँ, मैं भी उनके साथ हूँ। मैं भी कहूँगी कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी इन सारी सेंस में। लेकिन जहाँ पे बात आ जाती है मियाँ बीवी की लड़ाइयों की, बाप से आज़ादी, भाई से आज़ादी, तो मेरी तरफ से लाख लानत है। जी बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आपने अमीना अज़मत की गुफ्तगू सुनी। उनका कहना है कि वो ख़वातीन जो बेहूदा नारा लेकर जो है मुल्क पाकिस्तान का नाम बदनाम कर रही हैं, उनको कानून के कड़े में लिया जाए और उनको जो है इस काम से रोका जाए। इसी के साथ अपने मेज़बान जिशान अलबानी को रियल पाकिस्तान से इजाज़त दीजिए।